देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। शिक्षा विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड में छात्र छात्राओं को राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करवाने वाले जनपद के 25 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पौड़ी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने उन 25 शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने इंस्पायर अवार्ड के लिए छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। सम्मानित होने वाले शिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार के प्रतियोगिताओं के लिए इस बार ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनका कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करने से एक और जहां अध्यापकों का मनोबल ऊंचा होगा तो वहीं दूसरे और उनके विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर सकेंगे। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करने की व्यवस्था की जा रही है जिससे अध्यापकों के साथ बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जा सके। सैंड मल्टीपर्पज फिल्ट्रेशन मशीन बनाई थी जिसमें स्पेशली सैंड फिल्ट्रेशन को हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। मुझे इस पूरे इस मतलब जो मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं कोशिश करूंगी कि अब आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे विद्यालय से इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करें और राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सिलेक्ट हों। ये हमारे इंस्पायर अवार्ड है, ये भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रत्येक वर्ष हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं सरकारी और अशासकीय मान्यता प्राप्त, इन विद्यालयों के छात्र छात्राओं को विज्ञान में या सोशल स्टडी में विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान से बहुआयामी विषय होते हैं उन पर अपना प्रोजेक्ट और मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की जो प्रोत्साहन जो धनराशि होती है वो छात्रों के खाते में सीधे जाती है और जो हमारे विज्ञान अध्यापक होते हैं उनके दिशा निर्देशन में अध्यापक और छात्र किसी भी विषय में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ज्योग्राफी या हाई स्कूल का विज्ञान या सोशल स्टडीज से संबंधित किसी भी प्रकरण पर अपना मॉडल बनाता है।